बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकन आबदु व यकन से। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में ना मैंने टिबिया की जो थी ना बोनी फीचर्स वो डिस्कस किए थे। अभी इस वीडियो में मैं मसल अटैचमेंट करूँगा। देखें इसकी जो है ना ऊपर वाले कुंडाइज की अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट जो एंड पे बताऊँगा। पहले मैं ना ये शॉर्ट और लोअर एंड की ना अटैचमेंट बता देता हूँ। छोटी सी है बिल्कुल, आपने मेरे साथ साथ देख लीजिए ना। ऊपर जो है ना हमें पता है वो कैप्सुलर लिगामेंट्स जो है ना वो लगे होते हैं और मीडियल साइड पर जो है ना मीडियल कोलैटरल लिगामेंट यूँ करके लगा होता है। लेट मी फोकस इट यार, क्यों फोकस है? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट यूं करके लगा होता है यहाँ पे ना छोटा सा करके मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब यहाँ पे जो मीडियल बॉर्डर है ना इसके बिल्कुल ऊपर जो है ना वो तीन मसल लगे होते हैं SSG सेमी टेंडनोसिस ग्रेसिलस और सार्टोरियस। अब वो कहाँ से आ रहे थे एक मिनट मुझे दिखा देखने दें। हाँ तो गाइज ये देखें ना मैंने बताया था यहाँ पे इस जो है ना ग्रेसिलस यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से जो थे ना सेमी मेम्ब्रेनियोसिस था, सेमी टेंडनोसिस बाइसेप फेमोरस था, सेमी मेम्ब्रेनियोसिस ये ईशियल ट्यूबरोसिस था। तो वहाँ से देखें यहाँ से फीमर को भी क्रॉस किया, यहाँ से ग्रेसिलस आया, यहाँ से सेमी मेम्ब्रेनियोसिस हो गया और यहाँ से सेमी टेंडनोसिस हो गया और इसके अलावा जो थे ना ग्रेसिलस वो यहाँ से निकल रहा था। ठीक है, वो यहाँ से सारे का सारा कवर कर रहे हैं, सफ़र सारे का सारा कवर करके यहाँ पे मीडियल साइड ऑफ दी यूँ आके यहाँ पे लग रहे हैं। ऊपर सबसे ऊपर लगेगा सार्टोरियस। सार्टोरियस सब कहाँ से आ रहा था? सार्टोरियस जो था ना वो यहाँ से आ रहा था ना एंटीरियर सुपीरियर एलिक्स स्पाइन से, तो वो भी इसी के साथ ही आता रहेगा। ठीक है, सार्टोरियस, सेमी टेंडनोसिस और ग्रेसिलस SSG से मैंने याद किया हुआ था। वो तीनों मसल ऊपर से आते 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 यूँ इसको फीमर को क्रॉस करके तो यहाँ पे जो इसकी मीडियल साइड ऑफ टिबिया ना ऊपर लगेगा सार्टोरियस, फिर ग्रेसिलस, फिर सेमी टेंडनोसिस। टेंडनोसिस नॉट मेम्ब्रेनियोसिस, ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। यहाँ पर टेंडनोसिस मसल लगेगा, सार्टोरियस, ग्रेसिलस और सेमी टेंडनोसिस, ये तीन मसल यहाँ पे लग गए। अब उसके बाद जो है ना हाँ ठीक हो गया, ये तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया। नेक्स्ट जो है ना अब इसकी जो है ना ये टिबियल ट्यूबरोसिटी जो है ना इसकी कवर का नीचे वाला जो है ना रफंड एरिया, ऊपर वाला जो होता है ना वो स्मूथ एरिया। स्मूथ एरिया पे जो लगेगा ना क्योंकि ऊपर पटीला होता है तो लिगामेंटम पटीला जो है ना स्मूथ एरिया पे लग जाएगा। अब रफ एरिया ये अपने ऊपर कोई रफ सा है, कोई अटैचमेंट नहीं होने देगा, कह रहा मैं तो पहले ही रफ सा हूँ, तो यहाँ पर जो है ना ये सबकुटेनियस रह जाएगा। यानी आपको स्किन से भी आपको ना अपनी अगर फील करें तो आपको फील होगा, अभी आप फील करके देख लें। उसके अलावा जो होता है ना यहाँ पे एक जो होता है ना वो गर्डी ट्यूबरकल, गर्डी ट्यूबरकल की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे इलियोटिबियल ट्रैक होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इलियोटिबियल ट्रैक आपने याद रखना है गर्डी ट्यूबरकल के ऊपर लेटरल एपिकोंडाइल के आगे वाली साइड पर गर्डी ट्यूबरकल है, वहाँ पर इलियोटिबियल ट्रैक लगता है। ये हो गया, मीडियल साइड भी होगी। अब लेटरल साइड पर ये जो आपको रेड वाला मसल नज़र आ रहा ना, लेटरल सरफेस यही होगी ना, ये इंट्रोशियस सरफेस आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर होगा टिबियलिस इंटीरियर, क्योंकि ये इंटीरियर साइड पर नज़र आ रहा होता है तो टिबियलिस इंटीरियर यहाँ पर लगेगा। ओके हो गया। अब इसको मैं 180 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूँ। पोस्टीरियर सरफेस पे ये जो आपको ब्लू वाला नज़र आ रहा है ना ये वाला होता है पोपलीटियर सरफेस, क्योंकि ये पोस्टीरियर सरफेस की पोपलीटियर सरफेस ही होती है ना, जिस तरह इसकी हमने ना फीमर की बैक को हमने कहा था पोपलीटियर सरफेस, तो बैक को सारे के सारा पोपलीटियस आ रहा था, तो इसी वजह से हम इसी कहेंगे यहाँ पर जो ये जो ब्लू वाला इतना सा एरिया ये जो डार्कन्ड हुआ हुआ है ये वाला ये होगा पोपलीटियल सरफेस। उसके नीचे जो एक जो है ना ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये अच्छा मैं लाइन बताना बोनी फीचर में बोल गया, ये जो आपको एक फील करेंगे ना लाइन आपको फील होगी, ये होगी सोलियल लाइन होती है, तो इसके ऊपर जो मसल अटैच होता है वो सोलियस मसल होता है, इसी वजह से इसको लाइन को भी सोलियल लाइन कहा दिया। अब ये जो बैक के ऊपर जो सारे का सारा ये आपको रेड वाला नज़र आ रहा है ये हो गया टिबियलिस पोस्टीरियर। एंटीरियरली जो लेटरल साइड पर नज़र आ रहा है वो टिबियलिस एंटीरियर, बैक पर टिबियलिस पोस्टीरियर बस। इसके अलावा अगर आप पोस्टीरियर पे जो है ना एक छोटा सा मसल और देख लें मीडियल साइड पे, मीडियल साइड इसकी कौन सी बनेगी? ये वाली अब बैक पे यही मीडियल साइड बनेगी ना, तो ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ना ये तो हो गया ना सारे का सारा टिबियलिस पोस्टीरियर। अब यहाँ पे नीचे करके थोड़ा सा एक मसल हो गया जिसके हम कहते हैं फ्लेक्सस डिजिटोरम लोंगस, यानी एक लंबा सा मसल है जो डिजिट्स तक जाएगा वो फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस हो गया। और नीचे जो अगर आपने याद रखता है तो रख लें वो होता है फ्लेक्सर हिलोशियस लोंगस, यानी जो थंब के ऊपर जाएगा वो यहाँ से निकलता है नीचे वाले फ्लेक्सर हिलोशियस लोंगस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस, टिबियलिस पोस्टीरियर, सोलियस और ये जब पोपलीटियस मसल, और इसके ऊपर अच्छा एक यहाँ पे ना सेमी मेम्ब्रेनियोसिस लगता है, सेमी टेंडनोसिस तो यहाँ पे लग रहा था ना SSG से, सार्टोरियस, ग्रेसिलस, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनियोसिस यहाँ पे जो ये ब्लू सा करके नज़र आ रहा है ना यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेनियोसिस लग जाता है बस। यही बातें आपने याद रखनी है।
और इसके अलावा इसके अंदर और तो कोई चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। एंटीरियरली जो थे ना, ये ट्यूब्रोसिटी के ऊपर वाला जो हिस्सा था वहाँ पे कौन सा मसल लग रहा था, लिगामेंटम पेटिलाई रख था, नीचे वाला सबक्यूटेनियस था, यहाँ पे इरिटेबल ट्रैक और ये टीबियालिस एंटीरियर ये वाला हो गया और आलमोस्ट एवरी थिंग कवर्ड। अब जो सुपीरियर सरफेस है ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ये वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी वीडियो देखनी है, वरना ये ड्रा करने के लिए भी आ जाता है।